नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो आप में से कई तो समझ गए होंगे कि कौन सी बात मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन जो अभी नहीं समझे हैं उनको मैं बता दूँ कि आज हमारी बात होने जा रही है, जो अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस ने प्रपोजल रखा था कि मसूद अजहर, जो जैश मोहम्मद का चीफ है, जिसने पुलवामा टेरर अटैक करवाया है, उसको उसको टेरर ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो दोस्तों, अभी जो वो प्रपोजल था वो फ्रांस ने रखा था फेब्रवरी एंड में, और उसके बाद यूएस ने भी उसको बैक किया था, उस प्रपोजल की में अपना समर्थन दिया था, और साथ ही साथ आपका जो इंग्लैंड है, यूके ने भी अपना समर्थन दिया था। लेकिन अभी फिर से क्या हुआ है कि जैसे पहले होता आया है कि चाइना इस चीज को अपोज करता आया है, चाइना ने इस बार भी ये कहकर अपोज कर दिया कि जो भी एक्शन लेना हो वो सभी को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो चाइना ने एक तरह से अपनी वीटो पावर का यूज किया और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने से रोक दिया गया। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाइना ने ये पहली बार नहीं किया है। पिछले 10 सालों में ऐसी 4 कोशिशें की गई कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन हर बार चाइना ने अपनी टेक्निकल होल्ड जो है उसको यूज किया। अब आपके माइंड में आता होगा कि चाइना के जब सभी एग्री करते हैं तो चाइना के पास कहां से पावर है कि वो रोक सकता है। तो अभी जैसे पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, जैश मोहम्मद ने उसकी जिम्मेदारी ली थी और उसका जो चीफ है वो मसूद अजहर है, तो फिर क्लियर है। जब वो जिम्मेवारी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली पता चलता है कि ग्लोबल टेररिस्ट अटैक है, ग्लोबल टेररिस्ट होना चाहिए वो बंदा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मसूद अजहर की, जैश मोहम्मद, वो ऑलरेडी ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है। तो इसमें अब चाइना की जो पोजीशन है उसमें एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। एक टाइम पे वो बोलते हैं कि टेररिज्म दुनिया से खत्म होना चाहिए, दूसरे टाइम पे वो ये भी जैश मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मानते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे जब मसूद अजहर की बात आती है तो वो उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से मना कर रहे हैं, अपनी वीटो पावर को यूज कर रहे हैं। अब यही क्वेश्चन का मैं आंसर करने जा रहा हूं कि चाइना के पास कैसे ये पावर है। अभी आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 मेंबर होते हैं। ये जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और जब इस पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, तो कोई भी अगर मिलिट्री एक्शन हो या कोई भी इकोनॉमिक एक्शन हो, आर्थिक तौर से किसी देश के खिलाफ एक्शन लेना हो या सैंक्शंस लगानी हो या कोई भी मिलिट्री एक्शन करना हो, तो जो वर्ल्ड लेवल पे होता है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करता है। मतलब इसका काम है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, शांति और सुरक्षा को प्रमोट करना। अब देखिए, इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। वो 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है, यूएस, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस। ये वो आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये 5ों मेंबर्स जो हैं इनके पास वीटो पावर है। अब वीटो पावर का क्या मतलब है कि कोई भी डिसीजन, चाहे उसको सभी अप्रूव करते हों, अगर इन 5ों में से कोई एक भी अप्रूव नहीं करता तो वो डिसीजन वो आपका लिया नहीं जा सकता, उसको लागू नहीं किया जा सकता। अब ये जो मसूद अजहर वाली बात है कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करना, इसमें जो आपके 5 में से लगभग 3 तो क्लियरली बोल रहे हैं, जो आपका यूएस है, यूके है और आपका फ्रांस है, वो तो इंडिया को क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो क्लियरली मना कर रहा है ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने से मसूद अजहर को, वो चाइना कर रहा है। मतलब कि आपकी चाइना के पास वीटो पावर है और उसका वो बार 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 यूज करता जा रहा है। अब आपको ये तो पता चल गया कि यूएनएससी क्या है और मसूद अजहर की क्या बात है और
और क्यों इंडिया लिस्ट करवाना चाहता है। शायद आपको इसका भी कम आइडिया हो कि क्यों इंडिया लिस्ट करवाना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों इंडिया लिस्ट करवाना चाहता है। जो मसूद अजहर है वो इंडिया में वांटेड है, वो टेररिस्ट है जिसने काफी अटैक, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन ने काफी अटैक इंडिया पे किए। अभी रिसेंटली जो पुलवामा टेरर अटैक हुआ है वो भी जैश ए मोहम्मद ने करवाया, जो पाकिस्तान बेस्ड है, और उसका चीफ कौन है? मसूद अजहर। और 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था इंडिया पे, इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक किया गया था, और ये भी जो था वो जैश ए मोहम्मद की प्लानिंग से हुआ, और उसका चीफ भी मसूद अजहर था। और क्या रीजन है मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के? दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले मसूद अजहर नहीं था, हमारी जेल में रह चुका है, इंडिया की कैप्टिविटी में मसूद अजहर रह चुका है 1990s में। लेकिन लेट 1990s में क्या हुआ, जो आपका जो ये आपके मसूद अजहर जी हैं, इनको थोड़ी रिस्पेक्ट से चलो बुला लेते हैं, वैसे बुलाना नहीं चाहिए, तो उसको रिलीज करवा लिया गया इंडिया की जेल में से। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा टेररिस्ट कैसे रिलीज करवाया जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मेंशन किया हुआ है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम है हरकत उल मुजाहिदीन। ये जो आपकी हरकत उल मुजाहिदीन है, इसने जो है भारत की इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक कर लिया था लेट 1990s में। उसका नाम था उस एयरक्राफ्ट का नाम था IC-814, और उसको हाईजैक किया गया जब वो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। तो उसको हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया, और वहां पे जो आपकी हरकत उल मुजाहिदीन है, जिसने उसको हाईजैक किया था, उसने ये कंडीशन रखी कि मसूद अजहर को रिलीज कर दिया जाए, नहीं तो जो आपके पैसेंजर्स हैं जो इस एयरक्राफ्ट में हैं उनको सभी को मार दिया जाएगा। तो इंडिया को प्रेशर में आके तीन बहुत बड़े टेररिस्ट रिलीज करने पड़े थे, जिसमें एक मसूद अजहर भी थे। तो अब दोस्तों सिंपल बात है कि इंडिया क्यों लिस्ट करवाना चाहता है, आपको ये तो पता चल गया होगा। और दूसरा रीजन क्या है, और साथ में इसके क्या बेनिफिट होंगे रिलीज उसको ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डिक्लेयर करवाने के? पहला तो हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी, हमारी एक तरह से कूटनीतिक विक्ट्री होगी कि हमने दुनिया की सभी पावर्स को समझा दिया कि जो जैश ए मोहम्मद है और इसका चीफ है, वो कैसे देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को एक तरह से इम्पैक्ट करता है। और दूसरी हमारी जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी वो इस चीज में होगी कि इसके लिस्ट होने से ये क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बेस्ड ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो टेरर एक्टिविटीज को कमिट करते हैं, और पाकिस्तान की इमेज को इससे नुकसान होगा। दूसरा बेनिफिट ये है हमें। और तीसरा बेनिफिट ये है कि देखिए, जब एक टेररिस्ट लिस्ट में आ जाता है, उसका जो असली इम्पैक्ट होता है, अब बात करेंगे टेररिस्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो जो टेररिस्ट पे दोस्तों उसका इम्पैक्ट होता है, वो बेसिकली ये होता है कि उसके जो सारे फाइनेंशियल हैं, जो भी उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो भी उसका पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, वो उसी टाइम फ्रीज हो जाती है। मतलब उसके जो फंड्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है, और उसकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। वो किसी देश में आ जा नहीं सकता, किसी देश से बाहर नहीं जा सकता, जिस जगह है उसको वहीं रहना पड़ता है। मतलब उसकी मूवमेंट पे और उसके रिसोर्सेज पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। तो अगर ऐसा होता कि मसूद अजहर अनलिस्ट होते तो ये सारी चीजें होनी थी। लेकिन इस बार भी जो चाइना है उसने कल जो है अपनी टेक्निकल होल्ड लगा दी इस पे, अपनी वीटो पावर को यूज करते हुए। तो अब दोस्तों गुस्सा तो मन में आपके आ रहा होगा कि हर बार ऐसे चाइना करता है। तो अभी आपको ये तो पता है कि आप ये सिंपल रीजन है कि चाइना ऐसा क्यों करता है, बिकॉज चाइना की मेन कंपीटिंग पावर एशिया में इंडिया है, और इन चाइना ये नहीं चाहता कि कभी भी इंडिया के कश्मीर में शांति हो, क्योंकि इंडिया अगर कश्मीर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व रहा तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको ज्यादा होगा? चाइना को होगा। ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान लड़ते रहेंगे, और इंडिया अपने जो और बातों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसकी रिसोर्सेज, उसकी मैन पावर यूज होगी, और चाइना एक लीडिंग पावर बन जाएगा एशिया में। एक तो इसका ये एक एंगल ये है। दूसरा एंगल इसका ये है कि चाइना देखिए पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करना चाहता है। और ये भी इनडायरेक्टली वही बात है कि इंडिया को कैसे पीछे रखा जाए। तो ये बात हो गई।
तो इसमें अब देखिए गुस्सा आपके मन में है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे कोई बेनिफिट भी होने वाला था। मैंने बताया तो था कि आपकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मिल जानी थी हमें, हमें एक तरह से उसके जो मसूद अजहर के इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्रीज हो जाने थे या आपकी उसके उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जानी थी। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये देखा जाए कि जो पहले इंडिविजुअल्स लिस्ट में आए हैं जिनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, क्या उनके उस लिस्ट में डिक्लेयर करने से कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? तो अब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो देखिए अभी जो लिस्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये टेररिस्ट लिस्ट है, उसमें 262 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, और साथ ही साथ 82 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया गया है। तो उसमें देखिए मसूद अजहर की जैशे मोहम्मद भी है, लेकिन देखिए कितनी हैरानी की बात है कि जैशे मोहम्मद को आप मानते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन उसके हेड को नहीं मानते। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी मतलब के एक तरह से अब बोल सकते हो कि कंफ्यूजन है, कंफ्लिक्ट है चाइना की पोजीशन में। अब देखिए इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम है, वो मोस्ट वांटेड है इंडिया में। तो सीरियल बम ब्लास्ट जो हुए थे मुंबई में आपके उसके उस केस में वो वांटेड है। तो आपका एक अलकायदा जो आपको पता होगा कि उसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका ने मारा था, उसामा बिन लादेन के बाद जो अलकायदा का चीफ बना था वो बना था अमन अल जवाहरी, तो वो भी उस लिस्ट में है। और साथ ही साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा प्लेन हाईजैक किया था IC-814, वो जिसका नाम है हरकत उल मुजाहिदीन, जिसने मसूद अजहर को छुड़वाया था, वो भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ और भी कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हाफिज सईद की टेरर ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, वो भी इस लिस्ट में है। और साथ ही साथ हाफिज सईद का खुद का नाम भी इस लिस्ट में है। तो ये जो लिस्ट में है इस काफी देर से उसका नाम ऑलरेडी उसमें मेंशनड है। तो बात करने की ये है कि अब हाफिज सईद जो है उसने 2008 में इंडिया में मुंबई अटैक्स करवाए, तो और उसके बाद जो जो आपकी लश्कर ए तोयबा है या हिजबुल मुजाहिदीन है या दाऊद इब्राहिम है, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? तो देखिए लिस्टिंग उनकी लिस्टिंग का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है हमारे इंडिया में। उनकी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उनकी प्लानिंग के द्वारा इंडिया में टेरर अटैक्स होते रहे हैं उनकी लिस्टिंग के बाद भी। और इसका मेन कारण ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक्शन नहीं लेना चाहता इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ या इन इंडिविजुअल्स के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान इन इंडिविजुअल्स को या इन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने स्ट्रेटजिक एसेट्स मानता है। अपने स्ट्रेटजिक गोल्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की का यूज करता रहा है और करता रहेगा भी। और जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसी कंप्लीटली चेंज नहीं करता, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं अपनाता, तब तक कुछ इतना ज्यादा होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो इतना ज्यादा असर नहीं डाल सकते इंडिपेंडेंट नेशंस पे, आजाद देशों पे, जैसे पाकिस्तान भी अपने आप में एक आजाद देश है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2008 में हाफिज सईद ने मुंबई टेरर अटैक्स करवाए जो आपके ताज होटल पे हुए, कुछ दिन बाद क्या हुआ, आप हाफिज सईद को क्या किया गया, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो देखिए अब पाकिस्तान पे प्रेशर बना उस टाइम पे, और पाकिस्तान ने ये शो करने के लिए कि हम रियली टेरर के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं, उन्होंने 125 इंडिविजुअल्स को डिटेन कर लिया, उनको अरेस्ट में ले लिया, और उसमें हाफिज सईद भी था। और उनको एक एक्ट के अंदर अरेस्ट में लिया गया जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अरेस्ट में ले लिया गया। और जो था एक तरह से एक ये इमेज बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान सच में टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है। लेकिन अब देख सकते हो कि कुछ दिन बाद हाफिज सईद ने इस अरेस्ट को चैलेंज कर दिया लाहौर की हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में उसने ये कहा कि क्लियरली जो ये है, ये जो मुझे अरेस्ट किया गया है, ये यूएस और इंडिया का प्लान है और मुझे अरेस्ट करने का, मेरे खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने कुछ किया हो। और साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि एक तरह से पाकिस्तान की आजादी के ऊपर एक तरह से एक उसकी 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 वायलेशन की गई है पाकिस्तान की आजादी की। तो देखिए अब इसमें बात क्या हुई, लाहौर की हाईकोर्ट ने इस चीज को मान लिया और उन्होंने
ये बोला कि ये जो एलिगेशंस, ये जो कसूर लगाए लगाए उस हाफिज सईद के ऊपर लगाए जा रहे हैं जो इंडिया के द्वारा या यूएनएससी के द्वारा, वो कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो हाफिज सईद को अरेस्ट में रखने के लिए एक तरह से अलाउ करता हो। तो देखिए, सिंपल बात है कि पाकिस्तान की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, वो विलिंग नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो उनके इन इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लें। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पाकिस्तान को कई तरह से बेनिफिट दे रही हैं। अब पाकिस्तान इंडिया में टेरर अटैक्स करवाता है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और हमारे जवान मरते हैं, हमारे मासूम लोग मरते हैं, और इंडिया का कितना पैसा इंटेलिजेंस में लगता है और सिक्योरिटी में लगता है, और कश्मीर में भी ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने ऑपरेशन कर रही हैं और कश्मीर को इंडिया से अलग करने की कोशिश कर रही हैं। अब इनका बेनिफिट पाकिस्तान को सीधा है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी इतना ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। रीजन क्या है, क्योंकि पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान हमेशा डायरेक्ट लड़ता रहा है और हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, और अब पाकिस्तान को पता चल चुका है कि हम इंडिया के अगेंस्ट सीधी वार नहीं जीत सकते, तो उन्होंने ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को यूज करना शुरू किया, और इससे उनको बेनिफिट भी क्या बेनिफिट क्या है, एक तो वो सीधा क्या है इंडिया से नहीं लड़ रहे, दूसरी बात क्या है उनके पास, वो टेरर को यूज कर रहे हैं और उनकी सीधी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही, और उनको कोई कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ रहा, उनकी आर्मी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनकी उनके जवानों की डेथ्स नहीं हो रही, उनके जवान नहीं मर रहे हैं, और अल्टीमेटली इंडिया इंडिया के ऊपर जो वो नुकसान करना चाहते हैं वो आराम से कर पा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की कोई इंटेंशन नहीं है एक्शन लेने की। तो इसमें अब बात आएगी कि दोस्तों फिर इंडिया क्यों पड़ा हुआ है इस चीज के पीछे, कि क्यों क्यों इतना ज्यादा उसको उसको लिस्ट करवाने में पड़ा हुआ। वो मैंने आपको बता दिया कि एक तरह से डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी, लेकिन इतना ज्यादा कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, वो आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान सीरियस नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उस इस चीज में अब क्वेश्चन आता है लास्ट में, जो कंक्लूजन में, कि इंडिया फिर देन क्या करे, अपने आप को बचाने के लिए क्या करे। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, अपने बॉर्डर को गार्ड कीजिए, जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आ रहे हैं उनको, जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, जो एलओसी क्रॉस करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को, उनको मैक्सिमम रोका जा सके और अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन किया जा सके, और लास्ट स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखा जाए, समझा जाए कि कश्मीर में हमसे क्या गलती हुई है, हमारी गवर्नमेंट से क्या गलती हुई है, कि जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो एक लेवल पे खत्म होने की कगार में थी इंडिया में, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कश्मीर में 2012-13 तक बिल्कुल खत्म होने की कगार पे थी, लेकिन अब ये इनके जो रैंक्स हैं, इनकी जो कैडर्स हैं, उन्होंने अपना अपनी अपनी पावर को स्ट्रेंथन कर लिया है कश्मीर में फिर से, और इनको इनको जो लोकल यूथ है, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनकी काफी सपोर्ट मिल रही है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कमी हमारे में भी है, तभी ये ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीरीज को यूज कर पा रही हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने बॉर्डर्स को उतनी देर तक, जितनी देर तक मसूद अजहर का नाम नहीं लिखा जाता उसमें, और लिखने के बाद भी आपको पता है अब कोई एक्शन ऐसा कोई बड़ा बड़ी बात होने नहीं वाली, क्योंकि पाकिस्तान सीरियस नहीं है इस बात को लेके, तो बेटर यही होगा अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें, और अब हम अपने घर को सुधारें कि अंदर हमसे क्या गलती हुई है, क्योंकि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो अब बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है, और वो बहुत डेंजरस लेवल पे जा रही है, और उसको जितना जल्दी हम मान लें उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम मानेंगे तभी हम एक्शन लेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, या जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं हम भी इस चीज में, हमारी हमारी पॉलिटिकल जो आपकी पावर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, तो तब तक हमारे इस कश्मीर सोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।